अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए हॉट टी केक विद बटर लेकर आई हूँ, जो बहुत ही स्पॉन्जी टी केक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्पॉन्जी है। तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये मैंने दो अंडे ले लिए हैं लार्ज साइज़ के, उसको मिक्सी में मैं डाल रही हूँ। ये 3/4 कप चीनी है, ग्रेनुलर चीनी है, पिसी हुई नहीं है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी इसमें और इसको एक मिनट के लिए मैं बीट कर लूँगी जब तक कि ये फ्लफी सा बैटर नहीं बन जाता। इसको मैं एक बर्तन में निकालूंगी। उसके बाद 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा ऐड करूंगी, इसको छान लूंगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करूंगी और कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस की। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। इसके लम्स ख़त्म करने हैं, ख्याल रहे कि इसकी थिकनेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, फ्लफीनेस ख़त्म नहीं होना चाहिए, बैटर फ्लफी ही रहना चाहिए। बहुत आहिस्तगी के साथ स्पैचुला की हेल्प से करूँगी यहाँ तक कि मेरी इस तरह की कंसिस्टेंसी आने लग जाएगी। इसके बाद एक पैन में मैं 1 कप दूध दूंगी जो कि बॉइल्ड है इस वक्त लेकिन ठंडा है। उसके बाद मैं इसे मक्खन ऐड करूंगी 1/3 कप जो कि सॉल्टेड है। और इसके बाद जब बॉइल आ जाएगा इसमें तो मक्खन को इसमें डालूंगी और उसको मेल्ट करूंगी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसी पोजिशन में गर्म गर्म में ये लिक्विड जो है मैं अपने बैटर में डालूंगी और इसको जो है मिक्स करूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो टी केक है बहुत ही स्मूथ सा जो फ्लेवर आता है बटर का मिल्क के साथ, तो उसको ये एनहेंस करेगा और इसकी जो है सॉफ्टनेस और स्पॉन्जनेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा और टेक्सचर जो इसका है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको पैन में डाला है और इसको मैं टैप करूंगी अच्छी तरीके से और 180 सेंटीग्रेड पर मैं इसको रखूंगी। तकरीबन 45 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया था और यकीन कीजिए ऊपर से भी बहुत प्यारा कलर आया है और बैक से भी बहुत प्यारा कलर आया है। और आप इसकी सॉफ्टनेस और इसकी थिकनेस चेक कीजिए, कितना ही ये थिक है और कितना ही ये स्पॉन्जी है। ये देखिए, आप हल्का से दबाकर भी देख रही हूँ तो आप ये देखिए वापस अपनी शेप में बरकरार दोबारा अपनी शेप ले रहा है। दो फिंगर से मैंने करके देखा है तो दोबारा ये अपनी शेप में वापस आ रहा है। उसके बाद मैं आपको कट के करके दिखा रही हूँ और ये देखिए मैं हाथ में ले रही हूँ तो ये हाथ में दबा चला जा रहा है। और यकीन कीजिए आप ये टी केक अपने टी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, मेहमानों के सामने किसी भी ओकेजन पे इसको कर सकते हैं और चाहें तो आप घर में भी टी केक से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो फीडबैक देना, अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। और इस स्टेज पे अगर रेसिपी थोड़ी बहुत ही पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर नई रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेकी बान।